जिनेन्द्र सभी को, मेरा नाम संप्रति सौजन्य जैन है। आज मैं आपको यह समझाने वाली हूँ कि छह द्रव्य क्या है। छह द्रव्य को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये विश्व क्या है। छह द्रव्यों को समूह को ही विश्व कहते हैं। पहला द्रव्य जीव। जैसे हम जिसमें जाने देखते की शक्ति होती है और सुख दुख का अनुभव करने की शक्ति होती है, उसे जीव कहते हैं। दूसरा द्रव्य है पुद्गल द्रव्य, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, और जो सारी चीजें हमें दिखती है वो होती है पुद्गल द्रव्य। तीसरा द्रव्य है धर्म द्रव्य। ये मैं आपको चिड़िया के माध्यम से समझाऊंगी। जैसे ये चिड़िया उड़ रही है, इनको कौन सहायक है? हवा। तो फिर हवा धर्म द्रव्य है, जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक हो उससे धर्म द्रव्य कहते हैं। चौथा द्रव्य है अधर्म द्रव्य। जैसे ये चिड़िया उड़ते उड़ते बैठ गई, तो फिर इनको बैठने में कौन सहायक है? अधर्म द्रव्य। जो जीव और पुद्गल को रुकने में सहायक हो उसे कहते हैं अधर्म द्रव्य। पांचवा द्रव्य है आकाश द्रव्य। जो हम आसमान में नीला नीला देखते हैं वह आकाश द्रव्य नहीं, जो हमें बैठने के लिए स्थान देता है वह आकाश द्रव्य। जैसे ये चिड़िया यहाँ पर बैठी हैं, इनको बैठने के लिए जगह कौन दे रहा है? आकाश द्रव्य। जो जीव और पुद्गल को स्थान दे उसे कहते हैं आकाश द्रव्य। छठवा द्रव्य है काल द्रव्य। दिन, घड़ी, घंटा, समय को कहते हैं काल द्रव्य। जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, दिन, घड़ी, घंटा, समय को कहते हैं काल। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग करके इस छह द्रव्य को समझाने की कोशिश की है। जय जिनेंद्र।